वेलकम बैक टू अवर चैनल मम्मी की रसोई। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो लोग बाग 12 महीने खाने को तैयार रहते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, सबको ये खाना काफी पसंद होता है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे छोले भटूरों की। तो ये है आटा मैदा, जिसको हम बोलते हैं भटूरे, जिससे बनते हैं। तो फिर आज हमने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी भी रेसिपी हम शेयर करें कि हम घर पे फुले फुले भटूरे कैसे बना सकते हैं। तो पूछते हैं मम्मी का तरीका कि जिस तरीके से मम्मी के जो भटूरे होते हैं वो फुल फुल के बनेंगे। तो चलिए मम्मी से पूछते हैं मम्मी की रेसिपी। नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। छोले भटूरे बहुत कॉमन सी चीज़ है, सब घर में बनाते ही हैं। इसमें कोई स्पेशल ऐसी चीज़ नहीं होती, बस सबका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ मैं आपको शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसके लिए मैंने लिया थोड़ा सा मैदा, लगभग ये आधा किलो के करीब मैदा होगा। इसे छान लेना है आपको। और इसके साथ में ले रही हूँ 1.5 चम्मच ये नमक है, 1 चम्मच चीनी है, आधी चम्मच बेकिंग सोडा है। ये टेबल स्पून की मम्मी बात कर रही हैं? नहीं, बेकिंग सोडा हमारा छोटे वाली चम्मच है, ये टेबल स्पून नहीं है, उससे छोटे वाली चम्मच है। उससे छोटी जो चम्मच हाँ, आती उसका है। थोड़ा उससे आधी चम्मच है। और ये है बेकिंग पाउडर। अब इस और थोड़ा सा रिफाइंड, इसमें पहले मैं डालूंगी थोड़ा सा रिफाइंड, अंदाजे से डाल लीजिए आप 1 चम्मच के करीब। गर्मियों में तो ये आटा 2 से 3 घंटे 3 से 4 घंटे आराम से मल के रखती है, उसमें एकदम से खमीर उठ जाएगा 4 घंटे के अंदर ही। सर्दियों में आपको इसमें टाइम लगेगा, सर्दियों में कम से कम आप इसे 6 से 7 घंटे पहले मल के रखिए, जब इसमें खमीर उठेगा। इसमें अब मैं ये सब चीज़ें डाल दूंगी, थोड़ा सा सोडा, चीनी और नमक। चीनी नमक का जो मेजरमेंट है वो टेबल स्पून से किया है, और जो सोडे का जो मेजरमेंट था वो सबसे जो छोटी चम्मच होती है उससे मम्मी ने यहाँ पे किया है। थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें बेकिंग पाउडर। जैसे बाजार के हों या घर में कई जने बनाते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है, जिस टाइम वो गरम गरम बनाते हैं उस टाइम तो उनके भटूरे अच्छे बनते हैं, परखने के बाद वो चीड़े हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके रखने के बाद भी सॉफ्ट रहेंगे, ठंडे भटूरे भी आपके सॉफ्ट रहेंगे, आपको वो खींचे खींचे सा भटूरा नहीं लगेगा। ये है बेकिंग पाउडर, आधी चम्मच के करीब होगा, ये ज़्यादा नहीं था। इन सबको हमारे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे जो मैं मलूंगी वो है ये मेरा खट्टा मट्ठा, ये बिल्कुल खट्टा मट्ठा है। इसके अगर आपके पास मट्ठा ना हो तो आप खट्टी नहीं लीजिए, पर होनी चाहिए वो खट्टी, उससे बहुत अच्छे बनते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खमीर बहुत जल्दी उठता है उससे। तो मैं ज़्यादातर जितनी भी मेरी चीज़ें बनाती हूँ, मैं इडली ढोकला ये भटूरे सब में ज़्यादातर मैं खट्टे मट्ठे का यूज़ करती हूँ। घर का मट्ठा है, इससे आपको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके डालना है, मट्ठे को एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालिए आप। और ये आटा थोड़ा सा सख्त गूंदेगा, इसको हम ज़्यादा पतला नहीं गूंदेंगे क्योंकि खमीर आने के बाद ये पतला हो जाएगा। तो आपको थोड़ा पतला ही ओ गाढ़ा ही ओ सख्त ही रखना आटे को, थोड़ा हार्ड होगा इसका डो, ज़्यादा नहीं थोड़ा हार्ड होगा। जैसा आप परांठों का आटा मलते हैं वैसा आटा मला जाएगा इसका। अगर आपको पराठे रोटी पूरी बनाने में दिक्कत आती है तो इसकी मम्मी ने पूरी रेसिपी पूरा तरीका आपको बता रखा है। पहले हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने रोटी पराठा बनाना आप सबको बताया था, पूरी भी बनानी हमने आपको बताई थी। तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो वाला जो सेक्शन होता है उसमें आप सर्च कर सकते हैं, आराम से आपको सारी बेसिक रेसिपीज भी मिलेंगी और थोड़ी अच्छी रेसिपीज जो बहुत ज़्यादा एक तरह से हम अपना दिमाग लगा के बनाते हैं वो भी आपको आराम से मिल जाएंगी, लेकिन सब कुछ आसान है तो आप आराम से देख सकते। क्योंकि कई जनों में बहुत प्रॉब्लम आती है भटूरे बनाने में, कई बार फूलते नहीं है, कई बार वो चीड़े चीड़े बन जाते हैं या ढंग से उनमें वो फूला फूलापन नहीं आता, सॉफ्टनेस नहीं आती है। तो ये थोड़ी सी दो तीन बातें हैं, पर कोशिश कीजिए आप इसको इसमें पानी ना डालिए, जब भी आप इसका आटा मले तो पानी का यूज़ ना करें, या तो खट्टी दही को लेके आप भिगो लीजिए, उसे बिल्कुल पतला कर लीजिए वो करके भिगो के, नहीं तो आप मट्ठा ले सकते हैं। इतना मट्ठा अभी हमारा बच गया है, मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा करके डाला है। अब इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे जिससे इसमें अच्छा खमीर उठ जाए, और जितना अच्छा खमीर उठेगा उतना अच्छे आपके भटूरे बन के आएंगे और फिर सॉफ्ट रहेंगे।
ये देखिए अभी आप देखिए, देखिए आटा कितना सॉफ्ट हो रहा है, देखिए ऊपर आटा टूट रहा है, कोई चिड़ापन नहीं है इसमें। तो ये तो मैदे में तो वैसे भी खिंचाव आता है, देखिए इसमें खिंचाव नहीं है मैदे में। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है कि आपका आटा ऐसे टूट रहा है, देखिए कोई खिंचाव नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, देखिए। ये तो मैदे में तो लचक बहुत खिंचाव होता है। मैंने इसको सख्ती रखा है, ज्यादा पतला नहीं करी, क्योंकि जब खमीर उठेगा जब इसमें एकदम से सॉफ्टनेस आ जाएगी, तो फिर अगर हम पहले से पतला मल लेंगे और थोड़ा सा खमीर जब उठेगा तो उससे और पतला हो जाएगा, तो इसे बनाने में प्रॉब्लम आती है। खिंचाव तो आपको जब मिलेगी, जब इसमें खमीर आ जाएगा, एक जालिया सी जो मिलती है हमें, वो खमीर आने के बाद हमें मिलेगी इसमें। अब इसे या तो आप किसी छोटे कंटेनर में अच्छी तरह से इसको बंद करके रख दीजिए, किसी कपड़े से लपेट के 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिए, इसमें खमीर उठ जाएगा। अब इसे मैं लपेट के किसी गर्म जगह पर रख दूंगी जहाँ पर थोड़ी गर्मी रहे, 3-4 घंटे में इसमें खमीर उठ जाएगा। तो अब इसे मैं लपेट के रख दूंगी। मम्मी ने एक छोटे से भिगोने में इसको रख दिया है। आप जिस बर्तन में ये आटा रखेंगे भटूरों का, तो आपको ऐसा बर्तन लेना है कि जिसमें थोड़ी स्पेस बच जाए ऊपर की साइड, क्योंकि ये खमीर उठेगा तो इसको स्पेस चाहिए थोड़ी। तो देखिए हमने यहाँ पे छोटा भिगोना लिया है, मैदा इसमें डाल दिया अपना आटा, लेकिन इसमें स्पेस बची हुई है जिससे जो खमीर उठे उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम इसको रख देंगे, इसको ढक देंगे, छोटी प्लेट से कवर कर देंगे। छोटे से बर्तन में आपको थोड़ा बस स्पेस ऊपर होनी चाहिए, आप उसे कवर करिए। हम आप कहीं भी इसको जहाँ पर भी मतलब ज्यादा हवा ना आए, कुछ ना ऐसी जगह पे रखना है जिससे। तो फिर अब हम आपको दिखाएंगे 4 घंटे के बाद। ये हमारे छोले हैं, इनको मैंने रात को धो के भिगो लिया था, रात को भी मम्मी ने धो के भिगो लिया था। इसमें कम से कम 2 गिलास के करीब पानी है कुकर में, ज़्यादा पानी मैं नहीं रखूँगी क्योंकि फिर बॉइल्ड होते हुए पानी बाहर निकलता है कुकर से, थोड़ा आप कम ही रखिएगा पानी। कल रात को हमने चने भी भिगो दिए थे, तो अब हम इसको अब इनमें इनको बनाएंगे। अभी हम खाली इनको बॉइल कर रहे हैं, इनका छौंक हम लगाएंगे बाद में, अभी सिर्फ खाली बॉइल करने रख रहे हैं। थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा है, मैं और कम कर लूँगी इसका पानी, आपको बॉइल करने के लिए चाहिए खाली पानी। अभी देखिए इतना पानी होना चाहिए कि जो आपके चने हैं ये डूब जाए थोड़े से। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी इतना सा खाने वाला सोडा, मीठा सोडा थोड़ा सा डालना है मेरे को। थोड़ा सा डाली मैं हींग, बहुत थोड़ा सा, स्वाद अनुसार नमक, तीन से चार लौंग। ये मम्मी ने 3 से 4 लौंग डाल दी हैं। अब इसमें मैं छोलों में ज्यादातर जो बॉइल करती हूँ वो चाय की पत्ती के साथ करती हूँ बॉइल, इससे इसका कलर अच्छा आ जाता है। ये मैंने 1.5 चम्मच चाय की पत्ती ली है, इसकी आप एक पटोकली बना लीजिए, ऐसी इसकी नॉट बांध लीजिए आप, जिससे वो खुले ना जल्दी से। इसमें हम डाल देंगे तो इसके साथ इसका कलर आ जाएगा बहुत अच्छा। आपका ये कपड़ा साफ होना चाहिए, ये मेरा किचन का ही कपड़ा है इसलिए इसको मैंने इसमें डाल दिया। और जब हम ये इसका ढक्कन लगाएंगे कुकर का, तो इसके इस पे आपको चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, जिससे जब ये इसमें विसिल आएगी तो इसका चनों का छोलों का पानी बाहर ना आए। छोले राजमे दाल तो आप ज़्यादा जब भी बॉईल करें कुछ भी दाल छोले चने वो राजमा, तो ऐसे आप पीठ पे इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। इसमें हम 7 से 8 विसिल आएगी फिर ये बॉइल हो जाएंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया मम्मी ने, अब हम इसको देखेंगे जब इसमें 7 से 8 विसिल आ जाते हैं और कुकर हमारा ठंडा हो जाता है। देखिए कुकर ठंडा हो गया था, 8 से 9 विसिल आ चुकी है, देखिए कितना अच्छा हमारा रंग आ गया इनमें छोलों में। ये देखिए जो ये हमने चाय की पटोकली चाय की पत्ती की पटोकली बना के डाली थी, देखिए उसे कितना अच्छा रंग आया।
मान लीजिए आपको लगता है आपके चने वो छोले कच्चे रह गए हैं, ये देखिए ये पूरी तरह अच्छे तरह से मैश हो रहे हैं, थोड़े से हल्के से ऐसे ही रहेंगे खड़े खड़े, बिल्कुल घोट नहीं रही हूँ मैं इनको। अगर हमारे चने खड़े रहते हैं छोले तो उसमें आप दोबारा से बिसल दे सकते हैं, आप दोबारा से बिसल दे दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के, अगर आपको लग रहा है पानी भी कम हो गया है, चने हल्के आपको छोले हल्के से कच्चे लग रहे हैं तो आप इसमें बिसल दे सकते हैं। पर टोकने को अब हम इसमें से निकाल देंगे, इसको निचोड़ लीजिए आप, इसका जितना रंग है इसमें आ जाएगा। छोलों का मसाला तैयार कर रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ प्याज लहसुन वाले छोले। इसका मसाला मैं भूनूंगी, इसके लिए मैं बारीक बारीक हरी मिर्ची काट लूंगी। आपके पास अदरक है तो अदरक इसमें काट लीजिए, नहीं है तो आप थोड़ा सा सौंठ, जैसे मैंने थोड़ी सी सौंठ, हमारे पास अदरक नहीं था तो मैं थोड़ी सी सौंठ कोट के डाल ली, सौंठ का बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैंने इसमें हरी मिर्च ली है, 8 से 10 कलियाँ ये लहसुन की हैं, 3 टमाटर हैं, 4 प्याज, इन सबको मैं घिस लूँगी बारीक बारीक करके, इसका मैं पेस्ट तैयार करती हूँ, छौंक बनाती हूँ। हरी मिर्च को हम काट लेंगे, टमाटर प्याज को हम घिसेंगे, लहसुन भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। हरी मिर्च और लहसुन को बारीक काट लिया था, अब यहाँ पे मम्मी ने प्याज छील ली थी, अब यहाँ पे मम्मी बारीक करके प्याज को घिस ली है। आप चाहे तो इन सबको मिक्सी में पीस भी सकते हैं, यहाँ पे लाइट चली गई एकदम से, वरना हम इसको पीस ही रहे थे, तो अब हम इसको यहाँ पे घिस रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई है, वरना हम टमाटर प्याज लहसुन हरी मिर्च और अगर आपके पास अदरक है तो इन सबको डाल के आप इकट्ठा पीस सकते हैं। इनका एक आप पेस्ट तैयार कर लीजिए, इन सबका पेस्ट तैयार करके फिर आपको इसको भूनना है। देखिए हमने टमाटर प्याज को घिस लिया है, हरी मिर्च और लहसुन को हमने बारीक करके काट लिया था, आप इन सब चीजों को पीस भी सकते हैं इकट्ठा करके, अदरक डाल के, लाइट चली गई थी तो हमने इन सबको घिस लिया था। अब अदरक की जगह से मिला दी थोड़ा सा सौंठ, सौंठ को मैंने कूट लिया, इससे में हम उसको डाल देंगे। अब यहाँ पे मम्मी ने रख दिया कढ़ाई, इसमें डाल दिया रिफाइंड, रिफाइंड अब हम इन सबको भून के इनके ग्रेवी बनाएंगे, क्योंकि अब हमें अपने छोलों का चौक तैयार कर रहे हैं, मसाला तैयार कर रहे हैं। इसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग, इसमें मम्मी ने थोड़ा सा हींग डाल दिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, आप बना के देखिएगा कभी अजवाइन के साथ। और इस पेस्ट में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च, इसमें लाल मिर्च डाल दें मम्मी, और मम्मी ने जीरे के साथ अजवाइन डाली है, अजवाइन का इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैं डाल रही थोड़ा सा काला नमक, इसमें मम्मी काला नमक डाल देंगी। इन सब चीज़ों को अब पहले हम भून लेंगे, उसके बाद इसमें छोड़ डालेंगे। ये पीछे मैंने 2 से 3 महीने पहले ये मैंने छोले मसाला बनाया था घर में, बहुत टेस्टी मसाला बना है, मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि घर में ही मसाले पीसूँ, तो ये बहुत अच्छा बना है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अब जब ये मसाला भून जाएगा तो ये इसमें मैं डालूंगी, हमने छोले मसाले, चाट मसाला और आपका सांभर मसाला सबकी वीडियोस हमने बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप आराम से वहां से देख सकते हैं। उसका भी बनाया था हमने, पोहे का उपमा और सांभर मसाला, सांभर मसाला ही सब में डल सकता है, तो हम उसको पोहे उपमे में सब में डालते हैं, काफी अच्छा बना था वो हमारा, चाट मसाला भी काफी अच्छा बना था। अब हम इसको इसमें डाल देंगे, इसे भी हम भूनेंगे, इसमें भी 5 से 10 मिनट लग जाएंगे भूनने में, तो देखते हैं जब ये भून जाता है पूरा। देखिए ये हमारा मसाला भून गया पूरा, हमने छोले के लिए भुना था, अब ये मैंने मसाला बनाया है घर पे छोले मसाला, तो इसमें डाल दूंगी 1.5 चम्मच के करीब डाल दूंगी मैं इसमें, चला लेंगे अच्छे से। अब इसमें डाल दूंगी
सारा मसाला हमें अच्छे से पोंछना है और कुकर में इसको डाल देना है। अभी मैं इसमें इसी दूंगी, इसमें अभी छोलों में मैं पीसी दूंगी जिससे पूरा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। बहुत अच्छा, एक आप पीसी दे दीजिए इसमें छोल डालने के बाद, तो ये पूरा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाता है, उसका पूरा टेस्ट आएगा आप इसमें छोलों में। थोड़ा मेरी पटवाई छोला बनाऊंगी, पतले नहीं रखूंगी, आपके टेस्ट के ऊपर, आपको थोड़ा पतला करना है तो आप पतले भी कर सकते हैं। बस इसमें मैं एक विसिल दूंगी, इसमें मम्मी एक विसिल लगा रही है जिससे अच्छी तरह से और सब मिक्स हो जाए। मीडियम फ्लेम पे लगानी है। हाँ मीडियम फ्लेम पे आप एक विसिल दे दीजिए। अब हम एक विसिल दे रहे हैं इस मीडियम फ्लेम पे। देखिए एक विसिल आ गई थी, देखिए हमारे छोले कितने अच्छे तैयार हुए हैं इस टाइम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनमें। आप चाहें तो इसके पतले भी बना सकते हैं, गाढ़े भी आप इसको रख सकते हैं। थोड़े गाढ़े रखे हैं छोले, इस टाइम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। तो ये हमारे छोले तैयार हैं, बस अभी थोड़ी देर में हम भटूरे बनाएंगे। ये देखिए 4 घंटे हो चुके थे हमारे आटे में, देखिए कितना अच्छा खमीर उठ के आया, ये देखिए अब इसे हम बनाएंगे इनके भटूरे। कितनी अच्छी जालियाँ पड़ रही हैं ये देखिए। अगर मान लीजिए आपको जल्दी है या आपके आटे में खमीर पूरा नहीं उठता तो आप इसे 1 घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं। देखिए हम ऐसा करके इसको बेल लेंगे। उधर यहाँ पे कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, इसको आपको तेज ही तेल में डालना है, जब खूब तेज हो जाए जब भी आपको डालना है। और आप इसे छोले हमारे तैयार हो ही गए थे, अब बस फिर भटूरे हमारे बन रहे हैं। हमने 4 घंटे रखा था, आपको जल्दी है तो आप 1-2 घंटे से धूप में भी रख सकते हैं। ढक के आपको वैसे ही ढक के धूप में रखना है। देखते हैं पहले हम एक छोटा सा टुकड़ा डाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं तेल गर्म है हुआ या नहीं। हो गया तेल अभी थोड़ा सा और, वैसे हो चुका है अभी थोड़ा सा और हम होने देंगे तेल को गर्म, क्योंकि हमें तेल तेज तेल पे ही इसको डालना है। थोड़ा सा भी हम हो और होने देंगे तेल को गर्म। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसको सेकना स्टार्ट करेंगे तलना। पहले हम इसको फुला लेंगे अच्छे से। इसकी जालियाँ में जो उसमें बबल्स आ रहे हैं ये इसकी पहचान है कि आपके आटे में खमीर अच्छा उठा है। अच्छा लग रहा है भटूरे, ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और करारे करारे। ये देखिए ये भटूरा हमारा बन चुका है, और भटूरा भी बना ली है ऐसे। यहाँ पे मम्मी घी लगा के भटूरे को बेल रही है, रिफाइंड ऑयल मम्मी यहाँ पे यूज कर रही है। आपका मान लीजिए आटा पतला हो जाता है तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा लगा के इसको बेल लीजिए, पर सूखे मैदे से ये होता है कि वो थोड़ा उसमें लाल पड़ जाते हैं, लाल हो जाते हैं भटूरे सिकते में, सूखा मैदा काला काला हो जाता है। वही सब तेज तेल पे ही ये भटूरे डालने हैं, इसको आपको ऐसे हल्के 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 हाथ से करना है, ज्यादा आपको तेज नहीं दबाना। देखिए अच्छा ये फूल गया, तो हमारे दोनों भटूरे बस सब तैयार हो ही गए हैं, अब हम इनको सर्व कर देंगे। देखिए ये हमारे छोले भटूरे तैयार हो चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और बहुत टेस्टी छोले बने हैं और भटूरे बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो आप इसी तरीके से बना के देखिएगा, आपके बहुत अच्छे बनेंगे छोले भटूरे। इसके साथ मैंने ये पीछे एक अचार की वीडियो डाली थी, जो कच्ची कैरी आती है उसका, जो हम एकदम से अचार बनाते हैं, आपके हाथ बना के आप उसको खा सकते हैं। वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे है। मैंने ये नमक मिर्च चाहिए है, प्याज अचार रखे हैं इसके साथ, बहुत टेस्टी लगता है छोले भटूरे के साथ। तो आप ये इसकी वीडियो देख सकते हैं कि हमने कैसे बनाए हैं अचार। ये थी आज की वीडियो कि हम घर में छोले भटूरे कैसे बनाएं। ये आपका आशा पसंद आई आज की वीडियो।
आज की एक वीडियो, एक छोटी सी वीडियो जिसमें मम्मी ने आपको अपना तरीका बताया कि मम्मी कैसे छोले भटूरे बनाती हैं। आई होप आपको आज की वीडियो और ये छोले भटूरे काफी पसंद आए हो। तो अब हम जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।